तो प्रियंका गांधी को पोस्टर में दुर्गा के रूप में दिखने पर बीजेपी का रिएक्शन सामने आया है। बीजेपी प्रवक्ता हीरो वाजपेयी ने कहा कि 32 साल से कांग्रेसी अपने अस्तित्व के संकट से उत्तर प्रदेश में जूझ रहे हैं। लखीमपुर खीरी घटना को अवसर में बदलना चाह रही है। कांग्रेस अभी इस अंतर्द्वंद में से जूझ रही है कि कांग्रेस को भाई लीड करेगा या बहन। प्रदेश में 32 साल से कांग्रेस अपने अस्तित्व के संकट से जूझ रही है और प्रियंका गांधी वाड्रा भी जो ये यात्रा या रैली प्रतिज्ञा जो उन्होंने ठानी थी उसमें अवसर दिखने लगा। ये किसान वाला लखीमपुर कांड जो हो गया उसमें उन्हें लगा कि किसान जोड़ दिया जाए। यही सब जो अंतर्द्वंद से कांग्रेस गुजर रही है कि बहन लीड करेगी कि भाई आके बाद में करेगा कि पैकेज दिया जाए, दो मुख्यमंत्री लाए जाए, रैली का नाम बदल लिया जाए, मुझे लगता है कि सब कुछ अनायास ही अपने आप से चल रहा है और उसी अंतर्द्वंद से कांग्रेस इतने साल से उत्तर प्रदेश में जनता के बीच में अपना स्थान नहीं बना पा रही। मुझे नहीं लगता कि इस तरह की जो पोस्टर में हिंदू देवी देवता में प्रियंका का स्थान होना चाहिए। ये अच्छी बात है कि मुझे जो कांग्रेस या सपा के जो नौ आगंतुक नेता हैं या एक परिवार से आए युवा हैं वो भारत के संस्कार, संस्कृति, पूजा पद्धति, धार्मिक हमारी गाथा, गौरव, इतिहास इस पर आधारित होने लगे और इसमें अपना सोच विचार रखने लगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए जनतंत्र टीवी के फेसबुक पेज को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा न्यूज चैनल जनतंत्र टीवी। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।